अब आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर में नौजवानों की भी करते हैं, उम्मीदवारों की भी करते हैं और सरकार के कुछ फैसलों की जिनका बराह-रास्त ताल्लुक नौजवानों से है, लेना देना नौजवानों से है। दरअसल जम्मू कश्मीर में पहले सब इंस्पेक्टर की भर्तियां और उसके बाद FAA के उम्मीदवार फिर एहतजाज के लिए निकले क्योंकि वो भर्तियां भी मनसूख करनी पड़ी थी। पूरा सिलसिला जो है वो नए सिरे से शुरू होगा, सरकार की तरफ से क्लियर किया गया था। तीसरा एक बड़ा इम्तिहान जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था दो बरस कबल, तकरीबन 800 से ज्यादा जो असामियां पूर करनी थी सरकार ने फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की, और इनमें फायरमैन भी थे और फायरमैन ड्राइवर भी थे, लेकिन इनके लिए 60,000 से ज्यादा उम्मीदवार जो इम्तिहान में बैठे तहरीरी इम्तिहान दिया, लेकिन शायद उन्हें यह मालूम नहीं था कि 2022 खत्म होते होते बेजाबतियों के मामले पर तहकीकात इसमें भी शुरू कर दी जाएगी। अब मामला यहां तक आ पहुंचा है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से बाकायदा एक पैनल तश्कील दे दिया गया है और जो फायर एंड इमरजेंसी महकमे जो भर्ती अमल था इसमें बेजाबतियों का इल्जाम जो तय किया जा रहा था उसमें 3 रुकनी एक पैनल जम्मू कश्मीर की सरकार ने अब तश्कील दे दिया है। 3-4 बड़े अफसरान को जिम्मेदारी दी गई है और रिपोर्ट जो पेश करनी है उसमें यह पता चलेगा कि बेजाबतियां जो हुई हैं जमीनी हकायक क्या है। 3 रुकनी कमेटी जो या जो पैनल कह लीजिए तश्कील दिया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होम के हैं, महकमा दाखला के हैं, उनको जिम्मेदारी देते हुए कहा गया कि 2020 में फायरमैन और जो ड्राइवरों की भर्ती जो फायरमैन और ड्राइवरों की भर्ती का अमल था इसमें बेजाबियों का जो इल्जाम लगा था आला सती तहकीकात इसकी होनी चाहिए थी। उम्मीदवार मुसलसल एहतजाज कर रहे थे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी से जम्मू तक, अब जाकर यह सिलसिला मजीद आगे बढ़ा है। अब ये 60,000 के आसपास जो उम्मीदवार थे या नौजवान जो इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे कि शायद उनकी फहरिस्त किसी भी वक्त मुश्तहिर हो सकती है, सामने आ सकती है, लेकिन सरकार ने नया फैसला लिया, नया हुक्मनामा जारी किया जिसके मुताबिक फाइनेंशियल कमिश्नर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट के, उनको पैनल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है, जबकि सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD और इसके अलावा सेक्रेटरी महकमा जो कानून इंसाफ है या पार्लिमानी उमूर है उसको भी मेंबर इस पैनल का बना दिया गया है। यानी 3 मेंबर्स हैं, एक सेक्रेटरी GAD के, एक सेक्रेटरी महकमा कानून इंसाफ के होंगे और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जिनकी सरबराही में यह पैनल तश्कील दिया गया जो काम करेगा। लेकिन अब जिम्मेदारी यह है कि जो बेजाबतियां हुई हैं, जो इल्जाम तय हुए थे उस पर हतमी रिपोर्ट कम से कम 1 माह के अंदर इस पैनल को लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर रखनी होगी। अच्छा जी, 2013 में ये फायरमैनों की असामियां जो है वो लिस्ट कर दी गई थी, अखबारों में इश्तहार आया था, 60,000 लोगों ने 870 पोस्टों के लिए दरख्वास्तें दी थी और 60,000 में से शॉर्टलिस्ट किए कितने गए थे, 14,000 लोग जिन्हें फिजिकल टेस्ट लिया गया था, रिटन टेस्ट लिया गया था और उसके बाद इंटरव्यू का सिलसिला जो है वो सैलाब की नज़र हुआ था 2014 में और उसके बाद ये आगे 17 में चला गया और 18 तक ये मामला जो है वो चलता रहा और फाइनली 9 साल के तवील इंतजार के बाद जब ये पूरा मामला मुकम्मल हुआ तो पता लगा इस पूरे मामले में धांधलियाँ हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, आम आदमी पार्टी और दीगर जमातों की से लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत लिखे गए और एहतजाज किया गया कि इस पूरे मामले पर CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए, उसी तरीके से जिस तरीके की CBI की इंक्वायरी जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में हुई है जिसमें अभी तक 24 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। तो इसी मामले पर अब यह बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि फायर एंड इमरजेंसी का मामला भी आला सती कमेटी की नोटिस में चला गया है, 1 महीने के अंदर अंदर वो रिपोर्ट देंगे और उसके बाद यह फैसला होगा कि क्या यह यहां पर कलदम करार दिया जाएगा और नए सिरे से होगा या मामले की मजीद तहकीकात के लिए CBI को मजीद